देश की राजधानी दिल्ली का लाल किला। 15 अगस्त के दिन पूरे देश की नजर इस लाल किले पर टिकी होती है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से निकले शब्द देश को दिशा देते हैं, देश का हौसला बढ़ाते हैं, सरकार के कामकाज और दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। आजादी के बाद से आज तक हर वर्ष ये भाषण अति महत्वपूर्ण रहे हैं। समाज के हर वर्ग की तरह हमारे व्यापारी भी अर्थव्यवस्था को गति देने वाले भाषणों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। देश में व्यवसायों, उद्यम, धन सृजन और उद्योग के प्रति अलग प्रधानमंत्रियों के विचार क्या थे, आइए उनके स्वतंत्रता दिवस के भाषणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से व्यापारी और दुकानदार वर्ग की कड़ी आलोचना की थी। उनका आशय था कि व्यापारी वर्ग देश में खाद्यान्न की कमी का जिम्मेदार है। 1950 में नेहरू कहते हैं, हमारे मुल्क में काफी लोग ऐसे हैं जो अब तक पैसा बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे की मुसीबत से, चाहे वो व्यापारी हो या दुकानदार हो या और हो, खुद गर्जी में जमा करते खाने का सामान ताकि ज्यादा दाम मिले या कभी साल दो साल बाद उन्हें जरूरत हो तो उसको काम में ला सकें। सोचें आप, ये किस किस्म की चीज है जो कि औरों की मुसीबत से फायदा उठाए और पैसा बनाए। 1951 के भाषण में भी नेहरू जी यही दोहराते हैं कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो, और ये फिर काले बाजार और इस तरह की चीजें जो बढ़ती हैं, जरूर गवर्नमेंट उसको कर सकती है अपने कानून से, अपने और अफराद से, लेकिन आखिर में जनता की मदद से ये बात हो सकती है। 6 साल बाद 1958 में भी उनका यही कहना था कि दाम बढ़ते हैं चीजों के, बड़े हुए हैं आजकल, काफी मुसीबत है लोगों के लिए, और अगर वो शिकायत करें तो मुनासिब है और जाए शिकायत करना, और अगर वो शिकायत करें इस बात की कि ऐसी हालत में भी लोग ऐसे हैं जो लोगों की मुश्किलों से फायदा उठाते हैं अपने फायदा के लिए। वर्ड्स रिफ्लेक्ट एक्शंस। अब नेहरू की नीतियों को देखिए। The Essential Commodities Act 1955 आवश्यक वस्तुओं के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के नाम पर लाया गया था, पर परिणाम ये हुआ कि उद्योगपतियों के लिए ये एक थ्रेट बन गया। उन्हें अब जेल तक भेजा जाने लगा। देश में ऐसा माहौल बन गया कि सभी व्यवसायी और दुकानदार धोखेबाज हैं, और अगर उनके पास स्टॉक है तो इसका मतलब कि वो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे। 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आते ही देश में लाइसेंस राज शुरू हो गया, यानी जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस जारी नहीं दिया जाता था, नई इंडस्ट्री लगाना एक सपना हो गया था। सरकार ने इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के साथ साथ एंटरप्राइज कंट्रोल पावर भी अपने पास रख ली। रक्षा और मशीन टूल्स से लेकर दूर संचार और बिजली के उपकरणों तक 38 उद्योग सरकारी कब्जे में आ गए। निजी उद्यमिता गायब होती गई। सोचिए 1953 में जिस भारत में 9 कमाऊ फलती फूलती निजी एयरलाइंस थीं, सरकारी कंट्रोल ने उन्हें घाटे में ला दिया, और ऐसा हर सेक्टर में हुआ, कंट्रोल्ड एंड रुइंड। न इंडस्ट्री चलाने में सरकारी सहभागिता देते थे और न स्वयं अच्छे ढंग से चला पाते थे। नेहरू के कार्यकाल के दौरान पीपीपी पर भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वैश्विक अनुपात में औसतन 3% या इसके पिछले स्तर के 11% से कम हो गई थी। आगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी सत्ता में आते ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया। 1968 में उद्योगपतियों और व्यापारियों के बारे में वे कहती थीं कि जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारे और धनी कारोबार चलाने वाले हैं, उनसे भी कुछ अनुरोध करना होता है। अगर वो चाहते हैं कि ये अनुशासन हो तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े मुनाफे, ऊंचे ऊंचे वेतन अगर वो बढ़ाते जाएंगे तो ये अनुशासन रखना फिर आसान नहीं रहता है। 1971 में भी उन्होंने व्यापारियों पर चीजों के दाम बढ़ाने का आरोप लगाया। कारण क्या है कीमत बढ़ने का? एक वस्तु पे टैक्स लगता है और दूसरी वस्तु जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं है उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं? 1983 में इंदिरा गांधी ने सामान्य दुकानदारों को भी संभावित भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल कर दिया। दुख से कहना होता है
कि भ्रष्टाचार है, कैसे इस भूत को अपने बीच में से हटाएं, चाहे साधारण दुकानदार या कोई दूसरे हो, अपने छोटे से लाभ के लिए क्या हम सारी समाज को कमजोर करने को तैयार हैं? गवर्नमेंट प्राइवेट सिटीजन के एंटरप्राइज को छीनकर उन्हें इनएफिशिएंट स्टेट एंटरप्राइज बनाने पर तुल गई। सरकारों ने आईटी कंपनियां, होटल मैनेजमेंट, स्कूटर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और घड़ियां तक बनाई, और तो और ब्रेड, एरेटेड ड्रिंक्स व फ्रूट कॉन्सेंट्रेट की बिक्री भी शुरू कर दी। यानी न तो सरकार ने वो किया जो उसे करना था, और न ही उसने दूसरों को वो करने दिया जो वो कर सकते थे। इतना ही नहीं, अपने फरवरी 1970 के केंद्रीय बजट में इंदिरा गांधी ने 2,00,000 रुपए से ऊपर की सभी इनकम पर मार्जिनल इनकम टैक्स की दर को बढ़ाकर 93.5% कर दिया। जब 15% का सरचार्ज लिया गया तो हाईएस्ट मार्जिनल रेट बढ़कर 97.5% हो गया। इसी समय के आसपास अमेरिका तक में मार्जिनल रेट 70%, इंडोनेशिया में लगभग 50% था। साउथ कोरिया ने इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस और हाई इनकम अर्नर्स को प्रोत्साहित किया था। कहते हैं कि जेआरडी टाटा जैसे मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट तक 100% से ज्यादा टैक्स रेट देने के कारण हर साल अपने एसेट को बेचकर सर्वाइव कर रहे थे। 70 और 80 के दशक में चीन वेल्थ क्रिएशन की तरफ मुड़ रहा था, और वहीं भारत में वेल्थ क्रिएशन गुनाह बन चुका था। 1989 में तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पूंजीपतियों को महात्मा गांधी का दुश्मन तक बता डाला। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसी समायदार शक्तियां थी जिन्होंने उनको भी ये काम पूरा नहीं करने दिया। उनके हाथ भी बंधे रह गए। जहां कुछ सरकारों ने व्यापार, उद्यम और उद्योग को अभिशाप तक बताया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडस्ट्री और एंटरप्राइज को लेकर सकारात्मक रवैया उनके बड़े नीतिगत फैसलों में नजर आता है। हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है, उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। और इसलिए वेल्थ क्रिएशन ये भी हमारे जैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। मोदी सरकार ने एक अनुकूल कर वातावरण बनाया है, और नई निर्माण कंपनियों के लिए 15% और अन्य घरेलू कंपनियों के लिए 22% की अनुकूल दर निर्धारित की गई। ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरने की ओर एक कदम था। व्यापारियों को अपराधी मानने वाले एवं अन्य व्यापारिक दंडात्मक प्रावधानों को मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया, और कंपनी अधिनियम को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया। योजना आयोग को समाप्त किया गया। दिवालियेपन की घोषणा को अपराध की श्रेणी से हटाकर मोदी सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां वास्तविक मामलों का निपटान निष्पक्ष रूप से किया जाता है। मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र पर भरोसा किया और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रवेश को सुविधाजनक बनाया। कमर्शियल कोल माइनिंग और एयर इंडिया के निजीकरण की अनुमति दी। आज के भारत का सपना है मेक इन इंडिया। आज के भारत की तैयारी है सेल्फ रिलायंट इंडिया। आज के भारत का संकल्प है स्किल, स्केल, स्टार्टअप और सहूलियत, जिसे पूरा करने के लिए एक मजबूत पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में लगातार प्रयत्नशील हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ताकि भारत अपने $5 trillion इकोनॉमी बनने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर सके।